हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही पावरफुल टिप के बारे में। बेसिकली आज मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसे टिप शेयर करने जा रही हूँ जो कि आपके मैनिफेस्टेशन को 100 times बूस्ट कर देगी। हम लोग नॉर्मली लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स अप्लाई करते हैं, स्क्रिप्टिंग करते हैं, हर एक चीज़ करते हैं, बट अगर हम एक और कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिला देंगे तो आपकी जो मैनिफेस्टेशन है वो बूस्ट हो जाएंगी। सो बेसिकली आज हम लोग बात करने जा रहे हैं जो भी आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स है, जो भी आप स्पेल वर्क करते हो, जो भी आप मैजिक क्राफ्ट वर्क करते हो, हम लोग बेसिकली यू नो अपनी इंटेंशन डालते हैं, चीज़ों को लेट गो कर देते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, राइट। बट अगर हम उसी चीज़ को, उसी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को या फिर कोई स्पेल को एंजल्स या फिर किसी स्पेसिफिक डीटी के साथ क्लब कर देंगे तो वो चीज़ और पावरफुल हो जाएगी। सो बेसिकली मैं यहाँ पे ये बोलना चाह रही हूँ कि जब भी आप कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करते हैं, जैसा आप करते हैं सब कुछ प्रोसेस सेम रखिए, बट टेक्निक को स्टार्ट करने से पहले आपने अपने जो भी एंजल्स हैं, आर्कएंजल्स हैं, या फिर अपने स्पिरिट गाइड्स हैं, या फिर कोई भी ऐसे गुरु हैं आपके, या फिर कोई स्पेसिफिक डीटी जो कि आपके यू नो उस काम को मैच करें। सपोज करें आप लव स्पेल कर रहे हैं, आप लव से रिलेटेड किसी डीटी को कॉल करें, या फिर कुछ स्पीडिंग अप चीज़ों के लिए आप वुल्फ को कॉल कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप डीटीज को इन्वॉल्व करना सीखें, ठीक है। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में नए हैं तो ज़्यादा कुछ इस पर स्ट्रेस ना करें, आप डेफिनेटली इस टिप को स्किप कर सकते हैं। अगर आपको बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, आप नॉर्मली अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक फॉलो कर सकते हैं। बट अगर आप बिगनर नहीं हैं एंड आप चाहते हैं कि कुछ नया अब यहाँ पे ऐड ऑन हो, कुछ मैजिक में हमारे कुछ नया ऐड ऑन हो, तो इस केस में आप किसी भी स्पेसिफिक डीटी को अपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक के साथ क्लब कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं पहले कि कैसे करना है इसे। सबसे पहली चीज़ आपने क्या करनी है, जब भी आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को स्पेल वर्क करने बैठते हैं, माइंड काम होना ज़रूरी है, थॉट्स बिल्कुल कम हो जाने चाहिए। ट्राई करें कि मेडिटेट कर लें या फिर 4-7-8 टेक्निक आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिससे आपके जो माइंड में फालतू के हाँ वहाँ के थॉट्स चल रहे हैं वो चीज़ कम हो जाए। जब आपके थॉट्स कम होते हैं तभी आपकी इंट्यूशन इंक्रीज होती, तभी जो दूसरी साइड के स्पिरिट्स हैं वो आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन एक बहुत ही बेसिक चीज़ बोली गई। अगर आपको स्पिरिचुअली ग्रो होना है, अगली साइड से मैसेजेस को रिसीव करना है, देन डेफिनेटली यू हैव टू मेडिटेट डेली। एंड हाँ, मैं 5-10 मिनट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, पूरा अच्छे से 20-25-40 मिनट डेली मेडिटेट करना स्टार्ट करो। आप धीरे 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 अपनी इंट्यूशन पावर इंक्रीज होते हुए देखोगे। एंड जब आपका माइंड शांत होता है, काम होता है, दूसरी साइड के जो लोग हैं या फिर दूसरे जो स्पिरिट्स हैं, डीटीज हैं, वो इजीली आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। चलो डीटीज का भी छोड़ देते हैं, जो आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, जो आपको अलॉट किए गए हैं इस लाइफ टाइम में, वो भी अपने मैसेजेस को आपसे कन्वे कर सकते हैं। तो इसीलिए माइंड का शांत होना जरूरी है। अगर आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है, ग्रो होना है, तो प्लीज स्टार्ट मेडिटेशन, ठीक है। माइंड काम कर लीजिए। माइंड काम करने के बाद सबसे पहले अपने स्पिरिट गाइड्स को कॉल करना है। हे माई स्पिरिट गाइड्स प्लीज कम, माई स्पिरिट गाइड्स प्लीज कम, माई स्पिरिट गाइड्स प्लीज कम। 3 बार कॉल करना है किसी भी डीटी को बुलाने के लिए। जस्ट उनको फोकस करें। सपोज करें मुझे गणेशा को बुलाना है, तो मैं गणेशा को विजुलाइज करूंगी अपने माइंड में एंड उनको कॉल करूंगी, प्लीज गणेशा प्लीज कम, प्लीज गणेशा प्लीज कम, ऐसे करके मैं उन्हें बुला सकती हूँ। या जिस भी लैंग्वेज में आप चाहते हैं आप उन्हें बुला सकते हैं, ऐसे कोई लैंग्वेज रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती यहाँ पे। इसके बाद आपने क्या करना है, जो भी आपके स्पिरिट गाइड्स हैं, आपके एंजल्स हैं या फिर आपके आर्कएंजल हैं, सपोज करते हैं आप कोई हीलिंग रिचुअल कर रहे हैं या फिर कोई हीलिंग टेक्निक कर रहे हैं या फिर कोई चीज़ हील करने के लिए कोई लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में आप सिंपली आर्कएंजल रफाएल को बुला सकते हैं। सपोज करें आप मनी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हैं, मनी से रिलेटेड कोई स्पेल कर रहे हैं या फिर कोई रिचुअल कर रहे हैं या फिर कोई टेक्निक कर रहे हैं, आप उस केस में माँ लक्ष्मी को बुला सकते हैं या फिर कोई भी ऐसी डीटी है जो मनी से रिलेटेड है, अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड है, तो आप उनको बुला सकते हैं। अगर आप कोई सेल्फ लव टेक्निक कर रहे हैं या फिर आप चाहते हैं सेल्फ लव को इंक्रीज करना अपने अंदर, सिंपली आप आर्कएंजल शैमुएल को बुला लीजिए। जब आप उन्हें कॉल कर लेंगे, थोड़ी देर मेडिटेटिव स्टेट में रहना है, उनसे प्रे करना है कि जो भी मैं ये कर रही हूँ, जो भी स्पेल वर्क मैं कर रही हूँ या फिर जो भी मैं ये टेक्निक कर रही हूँ, प्लीज़ इसको ब्लेस कीजिए जिससे कि ये बहुत जल्दी मेरे लिए काम करे। आप इस तरीके से उनसे प्रे कर सकते हैं। आप आर्कएंजल माइकल को बुला सकते हैं, काफ़ी लोग उन्हें पसंद करते हैं, तो आप इस तरीके से आर्कएंजल्स की हेल्प ले सकते हैं, डीटीज की भी हेल्प ले सकते हैं। कुछ काम आपका नहीं बन रहा, आप गणेशा को कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बिकॉज वो ऑब्स्टिकल रिमूवल होते हैं मैरिज स्पेल में या फिर मैरिज टेक्निक के लिए। कुछ भी ऐसा करने से पहले आप यू नो उनको बुला लीजिए, उनसे कुछ देर प्रे कीजिए कि मैं टेक्निक करने वाली हूँ, प्लीज मुझे गाइड करते रहिए। आप इस तरीके से अपने वर्ड्स में कोई भी ऐसी प्रेयर बना सकते हैं जो भी आपके अंदर से आए,
दैट इज़ फाइन. इट्स नॉट मैंडेटरी कि बिल्कुल वर्ड्स एग्जैक्ट मैच होने चाहिए प्रेयर्स के. जो चीज़ आप यू नो दिल से कनेक्ट करेंगे उनसे वो डेफिनेटली वो चीज़ हो जाएगी. तो आप इस तरीके से अपनी मैनिफेस्टेशन में एंजल्स आर्क एंजल अपने जो भी आपके गॉड हैं आप उन्हें कॉल कर सकते हैं. एंड सी अगर आप किसी और रिलीजन से, अगर आप हिंदू नहीं हैं, अगर आप मुस्लिम हैं, अगर क्रिश्चन हैं, आप अपने हिसाब से अपने जो भी आपके गॉड हैं जिनमें भी आपकी यू नो श्रद्धा है आप उन्हें इस काम को करने से पहले बुला सकते हैं. जो भी आपका बैकग्राउंड है, जिनमें भी आप बिलीव करते हैं, जिनको आप मानते हैं, सिंपली उन्हें कॉल करना है, उनको बोलना है कि प्लीज मेरे इस काम को ब्लेस कीजिए जिससे कि ये चीज़ अच्छे से हो पाए. आप 369 टेक्निक कर रहे हैं, आप कोई जर्नलिंग कर रहे हैं, स्क्रिप्टिंग टेक्निक कर रहे हैं, फिर कुछ भी ऐसा कर रहे हैं जो कि रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन से, आपके ड्रीम से, आपके गोल से, आपके डिजायर से, तो डेफिनेटली आप ऐसा कर सकते हैं. नॉर्मल केसेस में हम लोग अपनी टेक्निक करते हैं, उसे लेट गो कर देते हैं, वो भी चीज ठीक है, कोई गलत नहीं है, बट उसको बूस्ट करने के लिए आप यू नो एनर्जीज का सहारा ले सकते हैं. जैसे सपोज करें वुल्फ इज लाइक वन ऑफ माई फेवरेट, आप सिंपली वुल्फ को बुला सकते हैं किसी भी काम को करने से पहले. एंड अगर आप चाहें तो आप डेफिनेटली ऑफरिंग के बारे में भी उनको बोल सकते हैं कि अगर मेरा ये काम होता है तो मैं आपको ये ऑफरिंग दूंगा. आप डेफिनेटली ये चीज भी कर सकते हो, ये चीज भी काम करेगी. अगर आपका सवाल है कि हमें उस विश को विजुलाइज कैसे करना है, प्रेजेंट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में, जैसे भी आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक अप्लाई करते हो वो सब कुछ सेम रखना है. बस उस टेक्निक को करने से पहले जो भी गॉड्स गॉडेसेस जिनको जिनके साथ भी आप काम करना पसंद करते हैं आप उनको बुला सकते हैं, या फिर जो भी डीटी आपके वर्क को रिलेट करती है. मनी के लिए आप लक्ष्मी जी को बुला सकते हैं, गॉडेस फॉर्चुना को बुला सकते हैं, लक के लिए, अबेंडेंस के लिए, ऑब्स्टिकल रिमूविंग के लिए आप वुल्फ को बुला सकते हैं, गणेशा को बुला सकते हैं. तो डिपेंड्स कि आप किस टाइप का काम यहाँ पे कर रहे हो. एंड अगर आपका सवाल कुछ ऐसा है कि हम एक टाइम पे कितनी एनर्जीज को इनवाइट कर सकते हैं अपने स्पेल वर्क में, अपनी टेक्निक में, सो देयर आर नो रूल्स बेसिकली. सपोज करें कि आपको ऑब्स्टिकल रिमूव करना है, मैंने एग्जांपल लिया अभी, तो आप सिंपली वुल्फ को बुला सकते हो, आप गणेशा को भी बुला सकते हो. आप उन दोनों को यू नो प्रे कर सकते हो कि प्लीज वुल्फ एंड प्लीज गणेशा मेरा जो काम है इसको ब्लेस कीजिए जिससे जल्दी से जल्दी ये हो जाए, पूरे ट्रस्ट के साथ, पूरे फेथ के साथ, एंड दैट इज इट. सिर्फ इतना करना है तो उनके रिजल्ट्स में डेफिनेटली बहुत चेंजेस दिखेंगे. बट एक और चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, जब भी आप ऐसी डीटीज के साथ, एनर्जीज के साथ काम करते हैं तो उनके साथ एक रिलेशनशिप बिल्ड करना स्टार्ट करो. स्टार्ट कनेक्टिंग विद देम, उनके साथ मेडिटेट करो, उनसे कनेक्शन बिल्डअप करो, ऑफरिंग्स दो, चीज़ें करो जिससे कि आप उन्हें एक रिलेशनशिप बिल्ड कर सको. जब एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है आपके एंड डीटी के बीच में तो ऑब्वियसली डीटी आपके लिए और जल्दी काम करती है. बट हाँ, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है. ऑकल्ट वर्क इज ऑल अबाउट फेथ. अगर हम रेकी भी करते हैं, रेकी इज ऑल्सो नोन एज फेथ हीलिंग. अगर आप उस पर ट्रस्ट नहीं करते हैं वो चीज काम नहीं करेगी आपके लिए. सो स्टार्ट कनेक्टिंग विद दीज एनर्जी सो दैट आप उनसे हेल्प ले सके अपने स्पेल्स में, अपने रिचुअल्स में, अपने जो भी मैनिफेस्टेशन रिचुअल्स आप करते हैं उन सब में, ठीक है. सो यह आज की इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए. मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय.